वंदे भारत न्यूज, तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। प्रयागराज शहर के प्रमुख बाजारों में इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक देखते बन रही है। जन्माष्टमी पर्व के नजदीक आते ही कान्हा और राधा को सजाने के लिए पोशाक गहनों की खरीदारी शुरू हो गई है। बाजार में सजी दुकानों पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजार में काफी चहल पहल दिखाई दे रही है। पहली चीज तो मास्क लगा करके हम लोग कस्टमर को डील करते हैं, और उनसे भी प्रेफर करते हैं कि आप भी मास्क लगा लीजिए, और उनके हाथ में पहले सैनिटाइजर दिया जाए, तभी सामान को छूने दिया जाता है। उसके बाद ही वो सामान छूते हैं, उसके बाद ही कोई चीज़ मतलब दिया जाता है। बाकी झूले वगैरह में काफ़ी अच्छी वैरायटी आई है, कपड़े में भी आई है, और कपड़े में जरी वाला वर्क वगैरह भी आया हुआ है, जरी में भी आया हुआ है, अपने क्या नाम है सितारे में भी आया हुआ है, हाथ की कढ़ाई का भी है। अरे यहाँ आप समझ लीजिए 50 रुपये से लेकर 1000-2000 तक का भी आइटम मिलेगा। झूला भी हमारे पास 100 रुपये से लेकर 5000 तक का झूला भी है। बाजार में अभी तो कुछ खास नहीं, मगर आने वाले हिसाब से दिख रहा है कि अच्छी रहेगी। अमित कुमार श्रीवास्तव। प्रसाद से लेकर कान्हा की फोटो, झूला से लेकर अन्य पूजन सामग्रियों की खरीदारी के लिए प्रयागराज स्थित चौक बाजार में पूरे दिन लोगों की भीड़ लगी रही है। शाम तक मूर्ति व फोटो से लेकर पूजन सामग्री की दुकानों पर लोगों ने अपने अपने पसंद से खरीदारी की। मेवा से लेकर मिष्ठान व फलों की बिक्री भी खूब रही। सजावट को ले मोरपंख भगवान कृष्ण के मुकुट की खरीदारी भक्तों ने की। साथ ही कोविड संक्रमण कम होने की वजह से इस बार लोग बाजारों में जाकर पूजा पाठ व त्योहार का अन्य सामान की खरीदारी भी जोरों से कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले साल कुछ नहीं मनाया था लॉकडाउन की वजह से, इस साल हम लोग कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हैं और बच्चे भी खुश हैं, इसलिए हम लोग भगवान के कपड़े हैं और वैरायटी हैं लेने आए हैं। तो कपड़े ले रही हूँ, अभी पालना लेना है, भगवान के कपड़े लेने हैं बहुत सारे। बहुत अच्छे से सौम्या। इधर अभी तक क्योंकि कोरोना पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, लिहाजा बाजार में दुकानदारों ने खरीदारों के लिए कुछ खास प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। पूजा पाठ से लेकर मूर्तियों तक की खरीदारी में दुकानदारों की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है कि बिना अपने हाथों को सैनिटाइज किए वो दुकान का कोई भी सामान नहीं छू सकते हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोविड के संक्रमण के खतरे को देखते हुए एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है।